डियर स्टूडेंट्स, मेरी लास्ट वीडियोस में मैंने आप लोगों को बताया कि किसी भी नंबर के लास्ट में अगर 5 आ जाए तो उनका स्क्वायर कैसे फाइंड करते हैं। या एक वीडियो मैंने ऐसी भी बनाई जिसमें मैंने बताया कि ऐसे नंबर्स जिनके लास्ट में 25 आ जाए तो ऐसे नंबर्स का स्क्वायर आप कैसे फाइंड करेंगे। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के मुझे मैसेजेस आए कि हमें बाकी नंबर्स के मुतालिक भी बताएं कि उनके स्क्वायर कैसे फाइंड किए जा सकते हैं बगैर कैलकुलेटर के। तो आप लोगों के लिए ये खुशखबरी है कि आज मैंने एक ऐसी ट्रिक बना दी है जिसकी मदद से आप किसी भी नंबर का बगैर कैलकुलेटर के स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए, जैसे ये 12 है, 12 का स्क्वायर हमें चाहिए। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे दो नंबर्स दिए गए हैं, आप इन दोनों नंबर्स के अलग अलग स्क्वायर फाइंड कर लें। जैसे फर्स्ट नंबर यहाँ पे है 1, 1 का स्क्वायर फाइंड करें, वो हमारे पास आ रहा है 1। इसी तरह दूसरा नंबर जो है उसका स्क्वायर भी फाइंड कर लें, वो हमारे पास आ रहा है 4। अब आप सबसे पहले ये क्या करेंगे कि ये जो नंबर्स हैं यहाँ पर 4 लाइंस लगा लें। जो फर्स्ट स्क्वायर आया है आपने उसको फर्स्ट 2 लाइंस पे और जो सेकंड स्क्वायर आया है उसको लास्ट 2 लाइंस पे लिखना है। अगर इनमें एक डिजिट है तो आप इनके साथ 0 अपनी तरफ से लगा लेंगे, जैसे ये 1 0। इसी तरह अगर यहाँ पर भी एक डिजिट आया तो हमें 2 डिजिट्स की शक्ल में इसको लाजमी लिखना है, तो आप 0 and 4 ये लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ हमने ऐड भी करनी है और फर्स्ट प्लेस को छोड़ देना है। वो ऐड क्या करना है, आपने हर क्वेश्चन में आप इन दोनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आंसर आएगा उसको हमेशा 2 के साथ मल्टीप्लाई करते जाएंगे। तो देखें, 1 multiplied by 2, 2, 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर आ रहा है 4। जो यहाँ पे आंसर आएगा उसको हमेशा आपने इस नंबर में ऐड करना है, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट प्लेस छोड़ के, देखें ये फर्स्ट प्लेस में छोड़ रहा हूँ, सेकंड प्लेस पे आपने इसको लिख लेना। अब आप इन दोनों नंबर्स को ऐड करें तो हमारा आंसर आ जाएगा, देखें 4 0 and 4 4, ये 1 और ये 0। ये बेशक ना लिखें अब तो ये 144 हमारे पास एक आंसर आ। तो इस तरह देखें, आपने बगैर कैलकुलेटर के 12 का स्क्वायर फाइंड कर दिया। जब आप इन क्वेश्चंस की बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप ज़बानी निकाल सकते हैं। तो हम एक और एग्जांपल लेते हैं, इसे देखें 25। तो मैंने आप लोगों को क्या बताया कि आपके पास जो यहाँ दो नंबर्स होंगे आप पहले उनका स्क्वायर फाइंड करेंगे। जैसे 2 है, 2 का स्क्वायर फाइंड कर लें तो ये आ रहा है 4। इसी तरह 5 का स्क्वायर फाइंड करें तो वो आ रहा है 25। अब मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे 4 लाइंस लगाएंगे, फर्स्ट 2 लाइंस पे आपने जो इसके स्क्वायर का आंसर आया वो लिखना है, लेकिन फर्स्ट 2 लाइंस पे ऐसे लिखना है कि वो 2 डिजिट्स में हो। अब देखें, इसका आंसर 1 डिजिट में आ रहा है इसलिए हम अपनी तरफ से 0 लगा देंगे, 0 and 4। और इसका आंसर 2 डिजिट्स में आ रहा है इसलिए यहाँ पे आप 0 नहीं लगाएंगे, इसको ऐसे ही लिख दें। अब मैंने आपको ये भी बताया इसमें हमेशा एक चीज़ ऐड होगी, और वो क्या ऐड होनी है, इन दोनों की प्रोडक्ट लेंगे और उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करेंगे। देखें, 2 और 5 की प्रोडक्ट लेनी है, जो हमारे पास आंसर आएगा उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करना। देखें ये 10 10 multiplied by 2 20। यहाँ पे जो भी आंसर आएगा आप इस नंबर में हमेशा ऐड करेंगे। देखें 20 को ऐड करेंगे, लेकिन मैंने ये भी बताया है कि फर्स्ट प्लेस छोड़ देनी है और फिर इसको ऐड करना है हमने। देखें ये हमारे पास आ रहा है 20, इनको अगर हम ऐड करते हैं ये बन रहा है 5 2 6, और ये 0 शुरू में है इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो हमारे पास बन रहा है 6 25। ये हमारे पास आंसर आ गया। एक और एग्जांपल लेते हैं,
फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं 35 का स्क्वेयर हमने फाइंड कर, तो आप फिर क्या करेंगे, 3 का स्क्वेयर फाइंड कर लें, वो मेरे पास आ रहा है 9। 5 का स्क्वेयर फाइंड कर लें, बन रहा है 25। अब आपने क्या करना है, इन दोनों डिजिट्स को इन 4 लाइंस पर लिखना है। इसमें 1 डिजिट है इसलिए हम 0 अपनी तरफ से लगा के यहाँ पे लिखेंगे, इसमें 2 डिजिट्स हैं यहाँ पे 0 नहीं लगाना। अब मैंने आपको बताया था एक नंबर हमेशा इनमें ऐड होगा, वो क्या होगा, इन दोनों की प्रोडक्ट को 2 के साथ मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो यहाँ पे ऐड करें। तो आप इन दोनों नंबर्स की प्रोडक्ट लें और 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, ये 15 मल्टीप्लाई बाय 2 30, इसको ऐड करना है और क्या करना है, फर्स्ट प्लेस छोड़। तो यहाँ पे हम इन दोनों को ऐड करते हैं, देखें 5 2 12, तो यहाँ पर आप इसका आंसर लिखते हैं। कोई सा भी नंबर आप ले सकते हैं। एक और एग्जांपल हम लेते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हमें 46 इसका स्क्वायर चाहिए, तो आप क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर फाइंड करें, वो हमारे पास बन रहा है 16। 6 का स्क्वायर फाइंड कर लें, वो हमारे पास आ रहा है 36। आप क्या करेंगे, इन्हें इन 4 लाइंस पर लिखेंगे। अब देखें इसमें 2 डिजिट्स ऑलरेडी आ रहे हैं इसलिए अब हम 0 नहीं लगाएंगे, और इसमें भी 2 डिजिट्स ही हैं इसलिए हम इनमें भी 0 ऐड नहीं करेंगे। अगर इसका आंसर 1 डिजिट में आ रहा होता तो फिर हम यहाँ पे 0 लगाते हैं, या इसका आंसर अगर 1 डिजिट में आ रहा है तो इसके शुरू में भी 0 लगेगा, लेकिन अब दोनों के आंसर्स 2 डिजिट्स में आ रहे हैं इसलिए ये सेम ऐसे लिख देंगे। अब इसमें हमने ऐड क्या करना है, इन दोनों की प्रोडक्ट को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है और जो हमारे पास आंसर आएगा वो इसमें ऐड कर देंगे। देखें 24 और 248, 48 को ऐड करना है, और ऐड करते हुए ये ख्याल करना है कि फर्स्ट प्लेस छोड़ देनी है। अब इन दोनों नंबर्स को ऐड करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, तो ये हमारे पास आंसर बन रहा है 2116। तो इस तरह आप बगैर कैलकुलेटर के किसी भी नंबर का इस ट्रिक की मदद से इजीली स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। जब आप